इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर में और ठीक मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये दफ्तर, जहां पर इस वक्त कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। आज का दिन राजस्थान की राजनीति के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अल्पसंख्यक बहुल इलाके में रोड शो करने वाले हैं, तो वहीं आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी जारी किया गया है। इस वक्त पोस्टरों से लदा हुआ आप ये दफ्तर देख सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त इसी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहीं दफ्तर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, सुखजिंदर रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, सीपी जोशी, सभी के चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं। एक बात तो तय है, जो 7 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है, इसी 7 गारंटी के दम पर इस वक्त राजस्थान में सरकार इस चुनाव में जा रही है और कांग्रेस पार्टी जो वादे कर रही है, आइए एक एक करके मैं आपके सामने रख दूं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि दोबारा अगर सत्ता में इस प्रदेश की जनता उन्हें लेकर आती है तो 4 लाख नौकरी देने का वायदा वो पूरा करेंगे। राजस्थान में जातीय जनगणना कराने का वायदा वो पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, बसेस में महिलाओं को मुफ्त में यात्रा करने का मौका मिलेगा। स्कीम आ रही है एक के बाद एक, इसका आधार क्या है? क्योंकि ये स्वाभाविक क्वेश्चन होता है कि एक के बाद एक शानदार तो स्कीम आई है, शानदार गारंटी दी जा रही है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो सामाजिक सुरक्षा हमारा मोटो भी है, सोशल सिक्योरिटी, हम तो मांग करते हैं केंद्र सरकार से, पूरे देश में राहुल गांधी जो लेके आए थे न्याय योजना 6,000 वाली, उसका विस्तार करते हुए राइट टू सोशल सिक्योरिटी मिले देशवासियों, हर परिवार को दुनिया के मुल्कों की तरह मंथली पैसा मिले। हमने यहाँ 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे 1,000 रुपये। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो हमारी सोच है वो देश के लिए आवश्यक है। बोल रहे नहीं, हम करने जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी क्या किए, सबको बोले मेरी माँ मेरी बहने चूल्हे के सामने जब बैठती है, फूकनी से जब फूकती है, धुआं जब आंखों में आता है, जब वो ये अपना उनके आंखों से पानी निकलता है, वो देखकर मुझे बहुत हैरान हुआ। तो इसलिए मैं फ्री गैस सिलेंडर दूंगा। बोले नहीं, फ्री गैस। अरे भाई ठीक है, एक फ्री शुरू में तो दिए, उसके बाद में क्या किए, वो गैस सिलेंडर को बढ़ाते 1,150 रुपए किए। और अब इलेक्शन आए तो आपने क्या किया, 200 रुपए कम किया। अरे हमारे जॉब से तो आपने पहले निकाल लिया, कम से कम ये 450 रुपए था, तो 450 कहा और 1,150 का। हमारे जॉब से इतना पैसा निकाल लिए आप, कम से कम 900 रुपए निकाल लिए। 900 रुपए निकाल लेके आप, 800-900 रुपए निकाल लेके हमको उल्टा दे रहे 200 रुपए। तो ये, और हमको बोले ये अशोक गहलोत जी, ये छत्तीसगढ़ इधर सब क्या है, वो कौन सा रेवड़ी, क्या रेवड़ी बांट रहे। अरे भाई हम रेवड़ी बांट रहे, फिर तुम 5 केजी बढ़ाकर वोट लेने के लिए जो करे वो क्या करे, क्यों करे? तो ये उनकी दिखाने की आदत एक है, बोलने की आदत एक है, और इनको जो जो स्कीम हम कर रहे हैं उनको कंपटीशन करने के लिए कुछ ना कुछ दूसरा करते हैं, वही रिपीट कर रहे हैं। हमारे जो स्कीम्स है, 7 ये हो 10 पहले के हो, हमारे आप सुन रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, वो ये बता रहे हैं कि ये स्कीम्स क्या है और ये स्कीम्स क्यों जरूरी है देश इस वक्त प्रदेश की जनता के लिए। और जो 7 गारंटी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में दे रही है वो एक एक करके मैं आपके सामने रख देती हूँ।
1,05,00,000 परिवारों को 500 रुपए में LPG सिलेंडर देने का वादा किया गया था। आपको पता है कि ये जो सिलेंडर का वादा था, इसकी कीमत में कटौती कर दी गई है। हर परिवार के महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए का भी वादा किया गया है। यानी आप ये समझिए कि अगर घर की कोई महिला जो घर परिवार चला रही है, पहले तो 10,000 रुपया उसके खाते में डाला जाएगा, और चूंकि घर चला रही है तो घर में सिलेंडर तो आएगा ही, तो उसकी रकम भी घटाकर 400 रुपए तक लाई गई है। ये दो बातें। अब किसानों की बात करें तो किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर की खरीद की जाएगी। ये 1 तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। पहला तो ये कि किसानों से गोबर खरीदेगी तो किसानों को उस गोबर के ऊपर कमाई मिलेगी, और दूसरा ये जो गौधन की बात की जा रही है, कुछ इसी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस नीति को अपनाया, इस योजना को अपनाया, और वही अब ट्रेंड जो आप देख रहे हैं कांग्रेस राजस्थान में भी फॉलो करती नजर आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को गौ सेवक के तौर पर, गौ संवर्धन के तौर पर अपने आप को हमेशा से प्रोजेक्ट करती आई है, ऐसे में इस वक्त गहलोत सरकार का भी निशाना वहीं पर जाकर सटीक बैठ रहा है। गौ सेवा भी हो जाएगी, किसानों को फायदा भी पहुंच जाएगा, और इसी बहाने वो ये कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में उनकी सरकार फिर से वापस लौटे। अब युवाओं की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ये कहती है कि कॉलेज के छात्रों को फ्री लैपटॉप की सुविधा दी जाएगी। प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो हर परिवार को 15,00,000 के बीमा की भी योजना वो कह रही है, और सरकारी कर्मचारियों को OPS की बात कर रही है, ओल्ड पेंशन की बात कर रही है। मैं चूंकि जयपुर में मौजूद हूं, और इसलिए जब मेरे फोन पे घंटी बजी, मैंने सोचा ये घंटी किसकी, एक अननोन नंबर, लेकिन वहां से प्रचार का एक तंत्र ऐसा खड़ा किया गया कि अशोक गहलोत के नाम से ये कॉल आता है और जनता को समझाया जाता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए राजस्थान की सरकार आप तक ये सीधा फायदा पहुंचाएगी।